नमस्कार दोस्तों, मैं सुजीत कुमार सिंह आईपीटेक्सल स्कूल से आपका स्वागत करता हूं हमारे इस वीडियो ट्यूटोरियल में, जहां हम सीखते हैं कंप्लीट एडवांस एक्सेल फॉर एमआईएस रिपोर्ट ऑटोमेशन। दोस्तों, हम बात करने जा रहे हैं टैबलो के ऊपर। तो पिछली वीडियोज में आपने देखा था किस तरह से आपने टैबलो को फ्री वर्जन या फ्री ऑफ कॉस्ट पाया था। मैंने उसके तरीके बताए थे आपको कि डाउनलोड कैसे करेंगे वगैरह वगैरह। अब हम बात करने जा रहे हैं कि टैबलो को हम डेटाबेस के साथ कनेक्ट कैसे करेंगे। देखिए, टैबलो के पास क्या है कि टैबलो में हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा को इंक्लूड करते हैं, डैशबोर्ड क्रिएट करते हैं और टैबलो पब्लिक एंड पीडीएफ एंड ऑनलाइन सर्विसेज में एक्सपोर्ट करके हम रिपोर्ट को रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम किस किस डेटा से कनेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे, जैसे आप ओपन करेंगे तो आपके सामने पहली व्यू यही आएगी। इसमें यहाँ कनेक्ट में देखिए टू फाइल टू सर्वर। तो टू फाइल में यहाँ पे सबसे पहला है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, क्योंकि सबसे ज्यादा इसकी कनेक्टिविटी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के साथ होती है। तो कुछ नहीं करना है, इस पे क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद अपना फाइल, जो भी आप फाइल इसके साथ कनेक्ट करना चाहते हैं, उस लोकेशन पे जाएं, फाइल को सिलेक्ट करें और ओके कर दें, ओपन कर दें। आपका फाइल कनेक्ट हो जाएगा और इस फाइल के जितने भी शीट्स होंगे आप क्लिक कीजिए, यहाँ पे उनके शीट्स आपको दिख जाएंगे और डेटा हो जाएगा। इस पे आगे चल के हम डैशबोर्ड वगैरह यहाँ पे क्रिएट करेंगे, जो कि हम आगे क्लासेस में आपको बताएंगे। उसके बाद यहाँ पे आते हैं, इसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स है। दूसरा है टेक्स्ट फाइल। अब क्या होता है, कभी कभी जो हमारा सर्वर है लॉग फाइल टेस्ट में देता है, बहुत सारे सॉफ्टवेयर है जैसे कि आई आई कॉल वगैरह, आई लोन वगैरह सॉफ्टवेयर है जिसमें डेटा टेक्स्ट फॉर्मेट पे निकलता है और बहुत सारे लार्ज डेटा भी टेक्स्ट फॉर्मेट पे निकलता है, जैसे लाइक टैली। टैली को ले लीजिए, उसमें से डेटा एक्सपोर्ट होता है तो टेक्स्ट फाइल में ही होता है। तो ऐसे फाइल को कैसे अपलोड करें, जस्ट सिंपल क्लिक करें और अपनी फाइल को सिलेक्ट करें जहां भी लोकेटेड है एंड ओपन करें। आपका व्यू कुछ मिनट्स में आपको यहां पे आ जाएगा। उसके अलावा यहां पे आप जाएंगे और भी है, जैसे कि जेसन फाइल है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस। अगर आपके पास एक्सेस फाइल है तो मैं यहाँ पे, मेरे पास है एक्सेस फाइल, मैं इसको ब्राउज करता हूँ, डेटाबेस टू एंड ओपन। अगर डेटाबेस में कोई पासवर्ड डाला है तो पासवर्ड डालिए, कोई सिक्योरिटी सिस्टम डाला है तो डालिए, अदरवाइज इसको ओपन कर दीजिए। तो आप एमएस एक्सेस से भी लेके आ सकते हैं। और यहाँ पे अगला जो है पीडीएफ है, और ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है क्योंकि हमें पीडीएफ को रीड करने में काफी ज्यादा दिक्कत होती है, तो पीडीएफ का भी यूज हम कर सकते हैं यहाँ पे। और बेसिकली इसमें दिक्कत हो रही है क्योंकि इसमें कोई हमारे पास डेटा नहीं है। इस फाइल में ओके, मैं आगे चल के जब मैं डेटा बना लूंगा तो बताऊंगा आपको। ऐसे यहाँ पे हमारे पास पीडीएफ फाइल है। अगर पीडीएफ फाइल को भी आप यहीं पे इसी तरह से आप कर सकते हैं, जैसे कि पीडीएफ फाइल में डेस्कटॉप पे पड़ा हुआ है, डेस्कटॉप सैंपल डेटा को सिलेक्ट किया एंड ओपन। आप यहाँ पीडीएफ हुआ, इसमें क्या होता है कि ऑल जितना पीडीएफ में पेजेस सारे लेने हैं या सिंगल पेज लेना है पहला पेज, या फिर जो पेज नंबर डालेंगे वो पेज लेगा यहाँ पे, या रेंज की, हाँ 10 से 20 है, 20 से 50 ऐसे पेज डालना है। तो फिलहाल मैं ओके ओके करता हूँ ऑल पे। अब इसमें देखिए जितने भी शीट से सारे जितने भी पेज थे सारे पेज का यहाँ बना। अब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका पेज बनेगा, तो जिस शीट के ऊपर एनालिसिस करना है उस शीट को यहाँ पे कर सकते हैं। तो पीडीएफ के डेटा को देखिए यहाँ पे इजिली इसने रीड कर लिया। अब आगे इसमें आपके साथ मोर पे क्लिक रहती है, सेपिटल फाइल है, स्टैटिकल फाइल है। मोर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप अपने फाइल टाइप को सिलेक्ट कर सकते हैं और ये फाइल टाइप इस एक्सटेंशन से बिलोंग करना चाहिए जो यहाँ दिया हुआ है। यहाँ पे इंडिविजुअल भी है और यहाँ पे और भी है, इनके अलावा आप ले सकते हैं जो सपोर्ट करता है टैबलो को। ये तो हो गई फाइल की बात। अगर आप सर्वर यूज करते हैं, जैसे कि आप सर्वर यूज करते हैं टैबलो सर्वर, अगर आपने टैबलो को परचेज कर रखा है तो आपको टैबलो सर्वर मिल जाएगा। फिर ऐसे आपके पास MySQL सर्वर है, ओरिकल है, अमेजोन रेड शीट्स है, गूगल एनालिटिक्स पार्ट है, या मोर यहाँ पे भी ले सकते हैं आप। मोर में यहाँ पे बहुत सारे हैं चीजें हैं, जैसे कि यहाँ पे जो देख रहे हैं आप, तो जिस डेटाबेस के साथ आप चाहिए उस डेटाबेस को आप ले सकते हैं, जैसे एक्सेल सीट, गूगल सीट। आप गूगल सीट को भी इंसर्ट कर सकते हैं। अब गूगल सीट क्या होता है, जैसे क्या होता है ना सर, कभी कभी डेटा हम लोग गूगल पे रख देते हैं, गूगल के ड्रॉप बॉक्स में रख देते हैं, तो वहां से आप गूगल सीट लेके आ सकते हैं। जैसे गूगल सीट पे एक बार मैं काम करता हूँ, गूगल सीट,
कि सीधे इंटरनेट पर चला गया और हमें अलाउ करना होता है कुछ नहीं। तो आई थिंक मेरे इस अकाउंट में नहीं, मेरे किसी और अकाउंट में है, लेकिन आगे चल के बताऊंगा आपको। साइन इन करने के लिए बोलेगा ताकि ऑथराइज हो। और हमने इसको अलाउ कर दिया, फिर इसको क्लोज कर दिया। तो अब इसमें मेरे गूगल ड्राइव में जो भी फाइलें होंगी, सारे फाइलों का लिस्ट यहाँ पे आ गया कि आपको किस फाइल से आपको करना है। मैंने इसको ले लिया और इसको हम कनेक्ट करते हैं। राइट, यहाँ टोटल मार्केट डेटा शीट है। तो डेटा होगा, लेकिन फाइल डेटा फाइल होना चाहिए, देखो ये रिपोर्ट फाइल है, इस कारण से दिक्कत हो रहा है। तो आप इस तरह से अपने गूगल सीट जो आपके ड्रॉपबॉक्स में पड़ा हुआ है उसको भी यहाँ से कनेक्ट कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे माई एसक्यूएल वगैरह है, ओरिकल वगैरह है, और भी यहाँ पे सैप है, शेस है, प्रेस्टो है, ये सब चीज आप यूज कर सकते हैं। पर ध्यान रखिएगा ये डेटाबेस आपके सिस्टम में होना चाहिए या फिर उसकी लॉगिंग आपके पास होनी चाहिए, और इस पे हम आगे डिटेल के साथ आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो इसी तरह आप मेरे चैनल पे बने रहें और मेरी वीडियोज को देखते रहें, और इसमें हम जो है कंप्लीट एक्सेल, वीवी एक्सेस, बीआई टूल्स, टैबलू सब की वीडियोज अपलोड करते हैं, और साथ में हम इसके लाइव क्लासेस भी देते हैं सर। सिर्फ हमारे यूट्यूब पे वीडियोज ही नहीं है, हमारे लाइव क्लासेस भी है, तो आप हमारी लाइव क्लासेस भी ले सकते हैं। तो पहले हम 2-4 दिन की डेमो क्लास देते हैं, तो iptindia.com पे जाके डेमो क्लास का फॉर्म भरें, एक दो क्लास डेमो के लिए, फिर हम आगे इस पे डिस्कस कर लेंगे। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स को शेयर जरूर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।